फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है घातांक व करणी, जिससे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे RPSC रीड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इससे जितने भी बनने वाले टाइप या कंसेप्ट है, अपने उसको सभी को डिस्कस करेंगे और उससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इससे पहले अपने को फर्क पता होना चाहिए भी घातांक और करणी के अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, अपने को ये चीज ध्यान होना चाहिए। एक घातांक है और एक करणी है, दोनों के अंदर क्या फर्क है। घातांक क्या होगा, कोई भी वैल्यू यानी कि a की पावर अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, इट मीन्स अगर 2 की पावर 3 लिखा है, चाहे 2 की पावर 5 लिखा है, चाहे 3 की पावर 7 लिखा है, चाहे 3 की पावर 10 लिखा है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, घातांक के एग्जाम्पल है। और करनी वाला क्या होगा, जो भी आपके रूट के एग्जाम्पल होंगे, जो भी आपके रूट वाले एग्जाम्पल होंगे, ये सारे के सारे किसके होंगे, करनी के एग्जाम्पल होंगे। अगर मैंने लिख दिया √2, चाहे लिख दिया √3, चाहे लिख दिया यहां पे 8 का क्यूब रूट, चाहे लिख दिया 8 का क्यूब रूट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, करनी के एग्जाम्पल हैं। अब इनमें से भी अपने को कुछ चीज सीखने को मिलेगी। जैसे ही अपने मैंने यहाँ पे लिखा 4 का स्क्वायर रूट, 4 का रूट कितना आता है आपका 2 आता है, 4 का रूट कितना आता है 2 आता है। अगर मैं लिखूं 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट ये भी कितना आता है 2। अब यहाँ पे देखो, जब क्यूब निकाला यहाँ पे 3 लिखा हुआ, जब यहाँ पे स्केयर निकाला यहाँ 2 नहीं लिखा, लिखते नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या होता है आपका 2 ही होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका 2 ही होता है, अपने लिखते नहीं है इसको। 4 का स्केयर रूट निकालना है या 8 का क्यूब रूट निकालना है, अपने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करते। जब क्यूब रूट निकालना होता है ना, तब अपने यहाँ मेंशन कर देते हैं भी 8 का क्यूब रूट निकालना है, और 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 आएगा, ये चीज अपने ध्यान में रखते हैं। अब ये निकलता कैसे, अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूं, अब अपने को ध्यान रखना है, जैसे ही अपने 4 को लिखते हैं, इसको अपने ये भी तो लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब भी क्या होता है, रूट ही होता है। तो यानी कि जब ये रूट हटाएंगे, ये 2 हटता है, तो यहाँ पे आगे ये क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। सेम कंसेप्ट 8 है, तो 8 का जब ये क्यूब रूट हटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 8 की 1/3। और जब 8 को अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं अपने 2 की पावर 3, और ऊपर क्या है 1/3। तो यहाँ 3 से 3 ये कट जाता है, तभी तो आपका आंसर 2 आता है, तभी तो आपका आंसर कितना होता है 2 आता है। सेम वाला कंसेप्ट यहाँ है, 4 को क्या लिख सकते हैं अपने 2 की पावर 2, और 12 क्या है अपना 1/2, और 2 से 2 कट जाता है, तभी तो आपका आंसर कितना आता है यहाँ पे 2 आता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे यहाँ पे 2 लगाओ, चाहे यहाँ पे 3 लगाओ, चाहे यहाँ पे आपका 4 लगाओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने 1/4 लिखेंगे, चाहे यहाँ पे लिखाओ 1 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने 8 का 1/5। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, जो अपने मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे, चाहे क्यूब रूट निकालना हो, चाहे स्केयर निकालना हो, चाहे यहाँ 4 लिखाओ, चाहे 5 लिखाओ, अगर ये यहाँ से हटाएंगे तो ये 1/4 में आ जाएगा। क्लियर है इसी चीज, तो इतना सा डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है। अब बात चल रही थी अपनी घातांक की और करनी की, दोनों के अंदर फर्क क्या है। सिंपल पावर फॉर्म में दिया जाएगा तो वो किसका एग्जांपल है, घातांक का एग्जांपल है। अगर रूट के फॉर्म में दिया जाएगा तो वो किसका एग्जांपल है, करनी का एग्जांपल है। क्लियर ये चीज, इतना सा दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना है अपने को। दूसरी बात और सीखने वाली है इसके अंदर, यहां पर मैं लिखूं 2 की पावर 3 और लिख दिया 2 की पावर 2 और इसके 3, ये 2 चीजें लिखी हुई है, इनके अंदर भी डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए, फिर अपने इसके टाइप स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 2 की पावर 3 है, और यहाँ 2 की पावर 2 ब्रैकेट लगा है, साथ में कितना लगा है 3 लगा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर कोई भी ब्रैकेट ना लगाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और जहां कोई भी ब्रैकेट ना लगाओ, तब अपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हैं, तब अपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि सबसे पहले अपने इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होएगा 8 होएगा, तो यहाँ तो 2 बचा था, और इसको जब सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 8, यानी कि आंसर कितना आएगा यहाँ से 2 की पावर 8। और जब इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 2 और 12 ब्रैकेट के कितना लगा है 3, और जब भी ब्रैकेट लगा होगा, जब भी ब्रैकेट लगा होगा, तब जो पावर होगी, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी ब्रैकेट लगा होगा तब पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 × 3 कितना बन जाएगा 6। तो यानी कि यहां से जो आपका आंसर आएगा ये कितना आएगा 2 की पावर 6, और जबकि यहां से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 की पावर 8। चाहे मैंने यहां पे लिखा 4 की पावर 3 की पावर 2
और यहां पे लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 2। ये लिखा है, यहां क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहां आंसर आएगा आपका 4 की पावर 9। और यहां सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट से पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 = 6, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 4 की पावर 6। क्लियर ये चीज, तो दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे, मतलब पहले ऊपर वाली वैल्यू सोल्व होगी फिर दूसरी सोल्व होगी। क्लियर ये चीज, ये भी अपने को डिफरेंस ध्यान रहना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ जो टाइप्स हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं, किस किस टाइप से अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है जैसे कि यहां पे लिखा a की पावर m और a की पावर n। अगर ऐसा दिया जाए, जब भी बेस यानी कि आधार सेम होएगा तो पावर्स हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं। जब भी आधार सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी आपकी, प्लस होंगी। क्लियर है, जैसे एग्जांपल लिखे हैं अपने 3 की पावर 5 × 3 की पावर 3। तो जब आधार सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 8। क्लियर है ये चीज। दूसरा a की पावर m और a की पावर n। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये डिवाइड फॉर्म में है ना, ये क्या है आपका डिवाइड फॉर्म के अंदर है, तो अगर इसको अपने मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जब अपने ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब a की पावर n, n यहां प्लस में था, जैसे इसको ऊपर लेके आएंगे ये पावर किसके अंदर हो जाएगी, माइनस के अंदर हो जाएगी। तो यानी कि यहां पर भी अगर आधार सेम है तो घातों को जोड़ेंगे, एक m है एक माइनस का n है, तो यहां से आपका कितना बन जाएगा a की पावर m - n। जैसे कि मैंने लिखा 1/2 की पावर 5, अगर मेरे को इसको ऊपर लेके आना है तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर -5, ये आपका आंसर है। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर -4, जैसे इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये 3 की पावर +4 बन जाएगा। तो ये वाली कंसेप्ट ही अपने को ध्यान रखना है, जैसे ही अपने इसको ऑपोजिट करेंगे तो जो पावर वाला साइन होएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस किसके अंदर हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तीसरी है a × b की पावर n दे रखा है, तो मतलब एक जो पावर है वो a के ऊपर भी है और साथ में किसके ऊपर है, b के ऊपर भी है, मतलब a की n भी लिख सकते हैं इसको, b की n भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको a की पावर n भी लिख सकते हैं और साथ में b की पावर भी n लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 6 की पावर 5 है, अब 6 को क्या लिख सकते हैं अपने 2 × 3 और इसकी पावर कितनी है 5, अब इसको अलग करके लिख सकते हैं अपने 2 की पावर 5 3 की पावर 5। क्लियर है ये चीज, तो ये वाला कंसेप्ट भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर अपने पावर्स को भी अलग कर सकते हैं, जैसे अपनों ने प्लस वाला तो अभी बनाया ही है ना, जैसे a की पावर m प्लस n है, तो अपने इसको मैंने अभी बताया, इसको अलग करके लिख सकते हैं a की पावर m और a की पावर n, यानी कि आधार सेम होगा तभी तो करते हैं प्लस होती है, तो वो ऑपोजिट भी होते हैं, चीज अपने को ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3 की पावर x + 4 है, तो अपने इसको क्या ले सकते हैं 3 की पावर x और × 3 की पावर 4, बेस सेम होगा तभी तो पावर एडअप होगी, तो ये वाली चीजें अपने को ध्यान रखनी है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तब वहां पे ये चीजें अप्लाई होंगी। क्लियर है, 4 हो गए थे अपने। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर अगर लिखा है a, यहां पे लिखा है n, अभी मैंने बताया था जब भी अपने यहां से ये वैल्यू हटाते हैं ये क्या बनता है आपका 1/n। एग्जाम्पल लिया था ना अपनों ने इसका, जैसे मैंने लिखा 4 का अपने को रूट निकालना है, तो ये रूट हटाएंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, तभी तो आपका आंसर 2 आता है। चाहे यहाँ पे लिखा हो 8 की पावर 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये 8 का 1/3 बनता था तभी तो आपका 2 आता था। चाहे आपको यहाँ पे 9 की पावर 5 दिया जाए, तो मतलब अपने इसको क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, जो भी आगे इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है चीज, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे जो भी वैल्यू आएगी इसको हटाएंगे तो वो 1/4 में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अगर इसी को और थोड़ा लिखें अपने a का n फिर इसी का ही, ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, डायरेक्ट यही फॉर्म आ जाएगी और पूछेगा भी इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या आ जाएगा। जब भी अपने इसको सोल्व करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले ना अपने इस अंदर वाले को सोल्व करते हैं, सबसे पहले अंदर वाले को,
ए है रूट एन है, अंदर वाले को अपने ये लिख सकते हैं ए की पावर एक बटा एन, क्योंकि जब ये रूट एन हटाएंगे तब एक बटा एन बनेगा। अब इसको तो सॉल्व कर लिया, अब एक रूट और बच गया और इस रूट के बाहर क्या बड़ा है एम बड़ा है, इस रूट के बाहर क्या बड़ा है एम बड़ा है। अब इसी एम को दोबारा हटाएंगे तो अंदर क्या है आपका एक बटा एन है। अब इसी रूट को दोबारा हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा एक बटा एम आ जाएगा, क्योंकि ये एम हटेगा तो यहां कितना आ जाएगा एक बटा एम आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा ए, और ब्रैकेट लगा है तो घाते क्या आएंगी मल्टीप्लाई होगी, तो एक इंटू एक, एक डिवाइड में एन इंटू एम क्या हो जाएगा एम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी चीज, डायरेक्ट कई बार ये फॉर्म दे दी जाएगी ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, एक ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक सीधा एम एन दे दिया जाएगा, एक सीधा ए दे दिया जाएगा, तो अपने को ये फ्री फॉर्म से निकालनी आनी चाहिए भी, इसको सॉल्व आउट करके डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जाता है। क्लियर है ये चीज, और इसके अंदर क्या क्या बन सकते हैं, अगर इसी का ही अपने का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहां लिखा 64 का क्यूब, ये दे दिया 64 का क्यूब रूट है और उसी का ही क्या निकालना है अपने को स्केयर रूट निकालना है। अब देखो सिंपल चीज है, आप अपना माइंड भी यूज कर सकते थे और मेथड भी यूज कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, सबसे पहले अपने मेथड यूज करते हैं, अपने इसको सोल्व आउट करते हैं 64 ये तीन वाला हटाएंगे तो सर एक बटा तीन आ जाएगा, अब बाहर एक और रूट बच गया वो भी स्केयर वाला, ठीक है। उसके बाद अब ये स्केयर वाला भी हटा दो, एक बटा तीन तो पड़ा ही था, अब जब ये स्केयर वाला हटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा एक बटा दो आ जाएगा, तो 64 था, ब्रैकेट लगा है, पावर्स क्या होगी मल्टीप्लाई एक इंटू एक, एक तीन इंटू दो कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, यही है। अब 64 को क्या लिख सकते हैं दो की पावर छह क्या होता है 64 ही होता है, क्योंकि दो की पावर पांच क्या होता है 32 होता है, तो दो की पावर छह कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो दो की पावर छह है और यहां पर एक बटा छह है, तो छह से छह कट जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए दो आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए आपका दो। ये तो आपका जो सिंपल मेथड है जो आपने सीखा वो है, अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व आउट करें 64 किसका क्यूब होता है 64 किसका क्यूब होता है सर चार का, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चार का क्यूब है, बाहर है रूट और चार का स्केयर रूट निकालेंगे तो कितना आता है दो, ये लो आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा, आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा, बट बात वही है अभी अपने को पहले ये वाले कंसेप्ट आने चाहिए, ये वाले कंसेप्ट अपने को क्या, क्योंकि अपने को ये वैल्यू ना देके वो यहाँ पे ए एक्स वाई ऐसी दी जाएगी तब अपने को ये चीजें ओपन करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने अभी वैल्यू से आपको एग्जांपल दे दिया, यहां से ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है अपना, बट ये चीज सीखनी इसलिए है क्योंकि जब अपने इसमें एक्स या ए भी दे दिया जाएगा तब वहां पे अपने पास उनकी वैल्यू थोड़ी है, अपने को ये ओपन करने पड़ेंगे तभी आपके आंसर आएंगे। क्लियर है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है अपने को कैसे अप्लाई करनी है ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन अपने करते हैं, जो भी अपने टाइप अभी तक सीखे हैं इसके अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अपने सोल्व आउट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, तीन की पावर एम की पावर दो बार तीन और इसकी पावर दे रखी है एक बटा एम बराबर 81 है। अपनों से पूछा है अभी m की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अपने को m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ये चीज, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, सॉल्व करते हैं इसको घातांक करने से भी m की वैल्यू निकालनी है, भी m का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले अपने इसको सॉल्व आउट करते हैं, क्या दे रखा है 3m² डिवाइड में, अब देखो यहां देखो यहां ब्रैकेट लगा है तो मतलब ये पावर मल्टीप्लाई, तो अपने इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 2m डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा है तो मतलब पावर मल्टीप्लाई है। क्लियर है, अब फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और पावर में कितना दे रखा है अपने को एक बटा एम और बराबर में कितना दे रखा है अपने को 81 दे रखे है, कितना दे रखा है 81। अब सिंपल सी बात है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब पावर फिर मल्टीप्लाई होगी तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाली पावर इसके साथ भी जाएगी, ये वाली पावर इसके साथ भी जाएगी, यही होता है ना। अगर मैंने लिखा 2/5 की पावर 3 है तो इसको यही लिखेंगे ना, 2 की भी 3 आएगी और 5 की भी 3 आएगी, इसका तो मतलब यही होता है, तो यही कंसेप्ट यहां लग रहा है, ये जो पावर है ये पावर इसके भी है और ये वाली पावर इसके भी है। क्लियर है चीज, अब पहले इसके करो, मतलब ये वाली पावर इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगी और ये वाली पावर इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगी और बराबर में कितना दे रखा है अपने को 81 दे रखे। अब यहां देखो m² m है, 1m कैंसिल,
यहाँ एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा गया यहाँ तीन की पावर एक ही एम बचा, यहाँ तीन की पावर क्या बचा एक ही एम बचा, डिवाइड में यहाँ तीन की कितनी बच गई दो, यहाँ तीन का कितना बच गया दो, बराबर में कितना है 81। अब तीन की पावर दो इधर ले आओ, तो तीन की पावर m बराबर कितना बचा 81 इंटू तीन की पावर दो बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं अपने तीन की पावर चार इंटू तीन की पावर दो, और तीन की पावर m है बराबर जब बेस सेम होएगा तो पावर क्या होएगी एडअप होएंगी, तो ये क्या हो जाएगा तीन की पावर छह। अब आधार सेम है तो पावर भी अगर इक्वल में है तो पावर भी क्या आएगी इक्वल, तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी सिक्स आ रही है, क्लियर है ये चीज। तो सिंपल सा देखो अभी जो कंसेप्ट सीखा है वही अप्लाई हुआ है क्या, ब्रैकेट लगा होगा तो पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया 2m, फिर ब्रैकेट लगा है पावर है, अब पावर को जब यहां से लेके जाएंगे तो वो इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा, यहां से m कैंसिल यहां एक m, तो इधर तीन की m बच गया, m कैंसिल तो यहां तीन की पावर दो ही बचा, तीन की दो को इधर ले जाएंगे, अब आधार इक्वल है तो पावर्स भी क्या आएंगी इक्वल होएंगी, आधार इक्वल है तो पावर्स भी क्या आएंगी इक्वल होएंगे, तो पावर यहां से इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास सिक्स आ रही है, क्लियर ये चीज। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, इसको दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक क्वेश्चन दे रखा है तीन की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो अपनों से पूछा है कि जो x की वैल्यू है ये क्या आएगी, अपनों से पूछा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब देखो मैंने अभी बताया चाहे आप बेस सेम कर लो, अगर इधर लिखें तीन की पावर x प्लस वाई 81 को क्या लिख सकते हैं सर तीन की पावर चार लिख सकते हैं, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है चार के इक्वल है, एक इक्वेशन तो यहीं से आ जाएगी। दूसरी यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, इसको सर तीन की पावर चार लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को एक्स माइनस वाई दे रखी है, बराबर में कितना है तीन है, अब ब्रैकेट लग गया तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब यहां क्या बनेगा तीन की पावर चार एक्स माइनस में चार वाई बराबर कितना है तीन, अब तीन है तो मतलब तीन की पावर एक लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब जब आधार यानी कि बेस इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो पावर क्या हो जाएगी यहां से चार एक्स माइनस चार वाई बराबर में कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, एक इक्वेशन यहां से आ गई तो दो इक्वेशन बन गई अपने पास, क्या एक बना चार एक्स माइनस चार वाई बराबर एक, एक बना अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, अब इन दोनों को इक्वल करके अपने यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं अब किसी एक को खत्म करना पड़ेगा, यहां पे एक्स निकालना है मतलब वाई खत्म करना है, यहां चार वाई है यहां एक वाई है तो मतलब इधर चार बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को चार से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा, अब दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स और चार एक्स कितने हो जाएंगे आठ एक्स, माइनस का चार वाई और प्लस का चार वाई कैंसिल बराबर वन और सिक्सटीन कितने हो जाएंगे सेवनटीन, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाली है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सत्रह बटे आठ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से सत्रह बटे आठ, एक्स निकाल लिया तो यहां से वाई भी निकाल सकते हैं, तो यहां से कोई भी वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे जो अपने को सॉल्व आउट करने हैं, और देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन है, बस सिंपल से कंसेप्ट ध्यान रखना है पावर्स को कैसे सॉल्व आउट करना है, कब ब्रैकेट लगा हुआ है कहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, और क्वेश्चन है अपने पास जैसे यहां पे लिखा मैंने दो की पावर एक्स प्लस चार माइनस दो की पावर एक्स प्लस दो बराबर में दे रखा है अपने को तीन, तो यहां से पूछ रहे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अलग कर सकते हैं कैसे सर दो की पावर एक्स और दो की पावर चार बेस सेम होएगा तो पावर एडअप होगी, अभी सीखा है माइनस इसको भी लिख सकते हैं दो की पावर एक्स इंटू दो की पावर दो, बेस सेम होएगा तो पावर क्या होगी एडअप होगी, बराबर में कितना दे रखा है अपने को थ्री, एक्स की वैल्यू निकालनी, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पे एक्स दो की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा यहाँ दो की पावर चार माइनस दो की पावर दो बराबर कितना है तीन है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा दो की पावर एक्स, ये कितना बच गया
दो की पावर चार यानी कि 16 माइनस में चार कितना बच गया 3। अब 2 की पावर x ये कितना बच गया 12 बराबर 3 और 2 की पावर x ये 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो क्या बचा 2 की पावर x बराबर कितना बचा 1/4। मतलब आपने x की ऐसी वैल्यू रखनी है भी आपका आंसर कितना आना चाहिए 1/4 आना चाहिए। x की ऐसी वैल्यू रखनी है आपका आंसर कितना आना चाहिए 1/4। देखो अगर आप देखो स्केयर है, सिंपल सी बात है, अब वो प्लस है कि माइनस है ये चेक करना है। अगर अपने x की वैल्यू -2 रखें, अगर यहाँ x की वैल्यू -2 रखें, मैंने बताया था अगर ये पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके क्या होगी ये पावर प्लस में ही होगी। अगर ये वाली वैल्यू ऊपर माइनस में है तो ये वाली वैल्यू नीचे जाके क्या होगी प्लस में ही होगी। मतलब यहां से आपका आंसर कितना बनने वाला है 1/4 बनने वाला है। कब बनने वाला है जब x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से -2, तो x का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका -2 आएगा। क्लियर है ये चीज, सिंपल से कंसेप्ट है। कब इसको अपने जोड़ सकते हैं, कब इसको अपने अलग कर सकते हैं, जो उन्होंने कंसेप्ट सीखा है सिर्फ वही चीजें अप्लाई हो रही है अभी तक। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है अपने। इसके अंदर आगे और टाइप आएंगे जिसके अंदर अपने को रूट के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है, वो वाला कंसेप्ट भी सीखेंगे। पर सबसे पहले अपने इनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं अपने को। जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ये दे रखा है और अपने से पूछा है भी एन की वैल्यू क्या आएगी। रूट के अंदर 2 की पावर एन है और यहां पे दे रखा है 64 और अपने को बताना है भी एन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहां से आंसर निकालना है, रूट लगा हुआ है, ऐसे करो दोनों साइड ना स्क्वायर रूट कर दो, दोबारा दोनों साइड रूट से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड चाहे आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कुछ ही कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, चाहे दोनों साइड बोथ साइड स्केयर कर दो। अगर अपने स्केयर करेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे अपना कितना बचेगा 2 की पावर n और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 की पावर 2। 64 की पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बोथ साइड स्केयर किया है, इधर भी स्केयर किया, इधर स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो यहां बचा 2 की पावर n। अब 64 को क्या लिख सकते हैं अपने, सर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहां 2 की पावर n ब्रैकेट लगा है तो पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जब बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगे, तो मतलब यहां से जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। यहां से अपने को n का ही मान पूछा था, अभी n की वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट लगा हुआ था, इसको सॉल्व आउट करना था, ऐसे करो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको 64 को चेंज कर सकते हैं 2 की पावर 6 में, ब्रैकेट लग गया तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या आएंगी इक्वल होंगे, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा n इक्वल्स टू 12। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर एक 2 की पावर 3.6, 4 की पावर 3.6, फिर 4 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3 इक्वल्स दे रखा है 32 की पावर x। तो पूछा है अपने को जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 3.6 इंटू 4 की पावर 3.6 इंटू 4 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3 और इक्वल टू दे रखा है 32 की पावर x। तो अपने को x की ही वैल्यू बतानी है, मतलब x बताना है, तो बेस क्या है आपका 32 है, मतलब इधर भी अपने को बेस कितना रखना पड़ेगा 32 रखना पड़ेगा, इधर बेस तो 32 है, इनका बेस 32 बनाना है। अब सिंपल सी बात है, एक अभी मैंने कंसेप्ट बताया, जब a इंटू बी की पावर n हो, जब a इंटू बी की पावर n हो तो अपने ये बताया था a की पावर n b की पावर n, चाहे तीन फैक्टर में दिया जाए, चाहे अपने को तीन फैक्टर में दिया जाए तो भी क्या आएगा a की पावर n b की पावर n c की पावर n, ये कंसेप्ट ठीक है, तो यही तो है, तीनों में n क्या है सेम है, तीनों में n क्या सेम है, तो मतलब इसको अपने ये लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 4 पावर 3.6, मतलब जब इसको अपने अलग करेंगे तो यही तो बनेगा
यही बनेगा या अलग बनेगा कुछ, यही बनेगा। तो यही तो दे रखा है, मतलब हम इसको डायरेक्ट कंप्लीट करके कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने इसको क्या लिखेंगे, 2 × 4 × 4 और इसकी सम की पावर कितनी है 3.6 और यहाँ कितना है 32 की पावर 2.3 = में कितना चल रहा है 32 की पावर x। तो ये कितना बन जाएगा 4 × 4 = 16 × 2 = 32 कितना है 36 और 32 की पावर कितना है 2.3 और इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 32 की पावर x। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होएंगी ऐड होएंगी, पावर्स क्या होएंगी ऐड होएंगी। तो 3.6 और 2.3 कितना हो जाएगा 5.9 बराबर कितना है 32 की पावर x। अब जब बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होएंगी इक्वल होंगी, इनकी पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5.9 आ जाएगी। क्लियर ये चीज है, एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए भी इनको अप्लाई कैसे करना है, कब अपने को बेस सेम करना है, किससे कंपेयर करना है, ये चीजें अपने को सीखनी है। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं इसके अंदर, एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को 8 की पावर x + 1 = दे रखा है 64 और एक दे रखा है अपने को, ये दे रखा है और यहां से अपने से क्वेश्चन पूछा गया है 3 की पावर 2x + 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन ये है भी 8 की पावर x + 1 = 64 है तो बताओ 3 की पावर 2x + 1 का मान क्या आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपने 8 की पावर x + 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2। सिंपल है, जब बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, मतलब x प्लस वन का मान कितना है 2 के बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा 2, 1 इधर आके माइनस तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। निकालना किसका है अपने को 3 की पावर 2x + 1 का और x का मान कितना 1 आया है तो 2 × 1 = 2 + 1 यानी कि 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 27 आएगा। क्लियर ये चीज, सिंपल से कंसेप्ट है, बस अपने को पता होना चाहिए भी कब अपने को बेस इक्वल करना है और कब पावर्स को कंपेयर करना है। क्लियर है, एक है जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्वेश्चन है आप सभी के लिए 3 की पावर n + 4 - 6 × 3 की पावर n + 1 / 3 की पावर n + 2 इसको सोल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप सभी ने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर देना है और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस सेशन को शेयर भी जरूर करें और इसी तरह आप हमारे सभी सेशन को देखते रहें। और जिन्होंने संख्यापत्ति और एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर अभी तक नहीं किया वो प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें, बाकी जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।